अहलुल्लाह क्या होते हैं, अल्लाह का वली जो है वो क्या होता है, जब वो पैदा होता है शुरू दिन से उसको हर सही बात का पता होता है या नहीं, उसमें और आम इंसान में फर्क क्या है, वली में और आम इंसान में फर्क ये है कि आम इंसान एक कान से बात सुनता है दूसरे से निकाल देता है। अल्लाह के वली को जब महबूब की किसी अदा की खबर मिलती है वो उसे अपना लेता है, जब उस तक कुछ खबर पहुंचती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया था, वो उसे जिंदगी का फिर जेवर बना लेता है, उसे कभी छोड़ता नहीं है। आशिक ये होता है, सिर्फ कानों की लज्जत लेने वाला आशिक नहीं होता। यानी उस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छींटे हमारे अखलाक और हमारी जात से टपकने चाहिए, और वो तभी मुमकिन होगा जब आप अपनी जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अहदीस मुबारका का मुताला शुरू करेंगे। महबूब की अदाएं जाने बगैर वो अदाएं समझ आती हैं, तो पढ़ेंगे तो जानेंगे। और इस सदी में, इस दौर में हजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहु अली और तहरीक मिनहाजुल कुरान ने एक अजीम नेमत इस जमाने में मगर आइंदा आने वाले सैकड़ों सालों के लिए अता कर दी कि वो महबूब की अदाएं, वो महबूब के तज़किरे, वो अहदीस जो मुख्तलिफ कुतुब में कहीं ना कहीं पोशीदा थी, एक आम उम्मती की निगाहों से ओझल थी, हजूर शेखुल इस्लाम ने उनको हजारों की तादाद में जमा फरमाकर किताबों की सूरत में आपके लिए रीचेबल बना दिया, आपकी पहुंच में ले आए। आप लोगों ने तो सिर्फ उनका मुताला करना है और फिर अपनी जिंदगी पर मुताला करके फिर खिताब नहीं शुरू कर देने, जो तो हमारे स्कॉलर्स हैं वो तो करें खिताब, लेकिन ये नहीं कि मैंने आज 20 अहदीस पढ़ ली हैं अब मैं बहुत बड़ा स्कॉलर बन गया हूं। मैं गली मोहल्ले में निकलूं, दो चार बंदों को टोकूं, दो चार बंदों पे फतवे लगाऊं, दो चार को गलत कहूं, दो चार को सही कहूं, ये काम नहीं करना। ये काम किया तो फिर उन अहदीस का पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। कुछ करने वाले ऐसे भी करते हैं, कुछ सही बुखारी फतवे के लिए पढ़ते हैं, कुछ सही बुखारी तकवा के लिए पढ़ते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो सही बुखारी शरीफ को बतौर वजीफा पढ़ते हैं। कई अहलुल्लाह हुए हैं हुजूर से सिर्फ मोहब्बत की खातिर, ना उससे मुराद कोई मुनाजरा करना, ना किसी इल्मी झगड़े में पड़ना, ना किसी के ऊपर अपनी इल्मी बर्तरी साबित करने के लिए, बस सिर्फ इसलिए कि हुजूर की बातें हैं, कुछ यार की बातें पढ़ लो, कुछ 1400 साल पहले उस सोहबत में गुम हो जाऊं और उस मंजर को अपनी आंखों में ले आऊं कि महबूब अपने सहाबा के साथ बैठे हैं और ये बातें हो रही हैं, उस मजलिस में शरीक हो जाऊं। तो कुछ लोग सही बुखारी को इश्क के लिए भी पढ़ते हैं, तो आपने उन अहदीस को, उन सारी कुतुब को ले अपने घरों की लाइब्रेरी का हिस्सा बनाए।